प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना से लोगों का जीवन बदला है और ये भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार पिछले 7 साल से लोगों के विकास के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य कम आय वाले उन परिवारों को जमा मुक्त LPG कनेक्शन प्रदान किया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले चरण में शामिल नहीं किया जा सका था। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ करें। जरूरतमंद महिलाएं जिनके सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता की माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आज निशुल्क गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर पाकर निश्चित रूप से इनका जीवन और बेहतर होगा, सरल सुगम होगा। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। महोबा हो, बुंदेलखंड हो, ये तो देश की आजादी की एक प्रकार से ऊर्जा स्थली रही है। यहां के कण कण में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, महाराजा छत्रसाल, वीर अघा और उदल जैसे अनेक वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं की सुगंध है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये आयोजन इन महान व्यक्तित्वों को स्मरण करने का भी अवसर लेकर आया है। साथियों, आज मैं बुंदेलखंड की एक और महान संतान को याद कर रहा हूं, मेजर ध्यानचंद, हमारे दद्दा ध्यानचंद। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। इस बार हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने मेडल तो जीते ही, अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके भविष्य का संकेत भी दे दिया है। भाइयों और बहनों, हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में बीते 7.5 दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा।